YouTube फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो जी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वजाइनल ड्राइनेस पे। हम जी इधर उधर की कोई बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट पॉइंट पे आएंगे, डायरेक्ट रेमेडी पे आएंगे, ताकि जिन लोगों को ये इशू है फौरन से पहले सॉल्व हो जाए। मुझे जी 10th क्लास में वजाइनल ड्राइनेस हुई थी और इतनी बुरी हालत होती है, मेडिसिन खा लो, जो मर्जी कर लो, जब नहीं असर होना होता तो नहीं असर होता। मुझे जिस टोट के से असर हुआ था, मैं आप लोगों से शेयर करूंगी और दुआ करूंगी जी आप लोगों का ये मसला हल हो जाए, क्योंकि इतनी खारिश होती है, इतनी खारिश होती है कि हर वक्त हाथ खारिश पे ही लगा रहता है, और ज्यादा खारिश करने की वजह से ना वहां से जगह छिल भी जाती है। जब छिल जाती है तो बहुत बुरी हालत होता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है, इन्फेक्शन भी हो सकती है, और मजीद तकलीफ में इजाफा हो सकता है। सबसे पहले जी हम लोगों को तीन चीजें चाहिए। एक हमें चाहिए ब्लैक ग्लिस्टरीन। जब आप लोग मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, आप लोग उनको कहेंगे ना ब्लैक ग्लिस्टरीन दे दे, वो दे देंगे। इसको कहते हैं इस्तमोल ग्लिस्टरीन भी कहते होते हैं। यहां मैं मेंशन कर दूंगी इसका नाम क्या है। वैसे आप लोग मेडिकल स्टोर पे ब्लैक ग्लिस्टरीन कहेंगे तो वो आप लोग को ये दे देंगे। फिर हमें चाहिए जी व्हाइट ग्लिस्टरीन जो नॉर्मल होती है, और हमें चाहिए जी पायोडीन। सबसे पहले आप लोग तरीका देख लीजिए बनाना किस तरह का है, और फिर हम वापस आते हैं और फिर अप्लाई करने का तरीका आप लोग को बताती हूँ, ठीक है जी। चले जी पहले बनाने का तरीका देख ले, क्वांटिटी देख ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, रेमेडी शुरू करते हैं। और ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेडिकल स्टोर से आसानी से तीनों चीज़ें आप लोग को मिल जाएंगी। बहुत आसान और बहुत सस्ती रेमेडी है। पायोडीन चाहिए, वाइट ग्लिस्टरीन चाहिए और ब्लैक ग्लिस्टरीन चाहिए, जो इसके ऊपर लिखा हुआ है ना इस्तमोल, ये आप लोग ब्लैक ग्लिस्टरीन कहेंगे ना आप मेडिकल स्टोर वाले आप लोग को यही दे देंगे। बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें ताकि किसी चीज़ की कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। हम लोगों ने जी 1 टीस्पून बिल्कुल हल्की हल्की इसके अंदर डाल ली है, ये सिर्फ एक टाइम के लिए। अगर आप लोगों ने ज़्यादा बना के रखना है आप लोग ज़्यादा भी बना सकते हैं। वैसे तीनों चीज़ें आप लोग वॉशरूम में रख सकते हैं, जब आप लोगों ने वॉशरूम जाना है तो आप लोग बना सकते हैं, वरना अगर इतना टाइम नहीं है किसी के पास तो आप लोग एक दिन का बना के रख सकते हैं। ये देखिए जी, हमने पूरी भर भर के टीस्पून ही डालनी, तीनों चीज़ों को शामिल कर लेना है और अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये हमारा मिक्सचर जी रेडी हो गया है बिल्कुल। हमने ये मिक्सर तब तब इस्तेमाल करना है जब जब हमने वॉशरूम जाना है, अच्छी तरह वॉश कर लेना है। कोशिश करें कि नीचे बिल्कुल भी साबुन, हैंड वॉश, फेस वॉश का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। मेडिकल स्टोर से आप लोग का वजाइनल वॉशेज़ मिलते हैं, आप लोग वो इस्तेमाल करें। साबुन से भी इरीटेशन हो जाती है, शैम्पूज़ वगैरह से भी इरीटेशन हो जाती है। हमें लगता है कि शायद हम सफाई कर रहे हैं लेकिन उससे बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है। चले जी मैं तरीका इस्तेमाल बताऊँ। अब जी आपने बनाने का तरीका देख लिया है, सपोज करना है ये वो मिक्सचर है, ठीक है। अब मिक्सचर हमने बना लिया है, जब हमने वॉशरूम करना है हमने उस जगह को वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद हल्का सा ड्राई कर लेना है, ठीक है, उधर पानी नहीं लगा होना चाहिए। अब हमें कॉटन बॉल चाहिए, ये तो मेरे पास कॉटन पैड्स है ना, कोशिश कीजिएगा कॉटन बॉल हो तो ज़्यादा अच्छा, टिश्यू का इस्तेमाल नहीं करना है, नरम से नरम चीज़ का इस्तेमाल करना है। ये जी सपोज कॉटन बॉल है, हमने उस मिक्सचर में डिप किया, ठीक है। उसके बाद हमने खारिश वाली जगह पे यूं एक दफा सिर्फ टैप करना है, दोबारा वो जगह, ये वाली कॉटन दोबारा हमने टैप नहीं करनी, इसको हमने डिस्कार्ड कर देना है, दोबारा नई कॉटन लेनी है, दोबारा डिप करना है एक दफा, फिर इसको टैप टैप करके उस जगह पे लगा लेना है जहाँ पे खारिश हो रही है। उसके बाद हमने 7 से 8 सेकेंड या 9 सेकेंड हमने गैप देना है ताकि थोड़ा सा वो जो मिक्सचर हमने लगाया है ड्राई हो जाए। फिर हमने जी अपना अंडरवेयर ऊपर कर लेना है और इसी तरह ही करना है जब जब वॉशरूम करना है। ये आप लोगों ने ना रिपीट करना है, सुबह आप लोग बना के रख ले इस मिक्सचर को, जितनी दफा वॉशरूम जाना है पानी से वॉश करना है, ड्राई करना है, उधर जहां पे खारिश हो रही है मिक्सचर अप्लाई करना है, कुछ सेकंड वेट करना है और अंडरवेयर ऊपर कर लेना है ताकि कपड़े गंदे ना हो और आप लोगों को फर्क भी है। अच्छा, एक बड़े जरूरी यहां मैं बात करना चाहूंगी, जिन लोगों को बहुत देर से वजाइनल ड्राइनेस है और खारिश कर करके वो जगह छिल गई है, ब्लीडिंग हो रही है, तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने इस मिक्सचर का इस्तेमाल नहीं करना है, उन्होंने 3-4 दिन सिर्फ पायोडीन लगानी है, सिर्फ पायोडीन लगानी है, ठीक है। 3-4 दिन सिर्फ पायोडीन लगा के फिर आप लोगों ने इस मिक्सचर पे आना है। जिनकी बहुत बुरी वर्स्ट कंडीशन हो गई है ना, तो पहले उसको थोड़ा सा काम डाउन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। काम डाउन होगा पायोडीन से, 3-4 दिन पायोडीन, फिर आप लोगों ने इस मिक्सचर पे आ जाना है। वरना आप लोग अगर डायरेक्ट लगाएंगे हो सकता है थोड़ी सी जलन हो, थोड़ी सी बर्दाश्त कर लीजिएगा, लेकिन बर्दाश्त ना ही करें आप लोग पायोडीन से, फिर इस मिक्सचर पे आइएगा, डायरेक्ट ना आइएगा। अगर जी उस जगह पे आप लोग के नेल लग गया है या खारिश हो गई है या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग शुरू हो गई है तो आप लोगों ने क्या करना है, जो मैंने आप लोगों को बताया है, पहले पायोडीन सिर्फ इस तरह देखे ना, ये हम लोगों ने इसको खोला और हमने ये कॉटन पे पायोडीन लगाई, ये देखे। अब हमने इस जहां पे खारिश हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, वहां पायोडीन लगा देनी है, 3 दिन इस तरह करना है। उसके बाद फिर हमने उस मिक्सचर के ऊपर आ जाना है और आप लोग देखिएगा आप लोग को 4 दिन में आराम आएगा इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। मेरी दुआ है कि सबको आराम आ जाए, क्योंकि मैं इस कंडीशन से गुजरी हुई हूं, मैं
अज्यूम कर सकती हूँ कितनी बुरी हालत होती है, ना किसी को बता सकते हैं, ना प्रॉपर डॉक्टर से कर सकते हैं और किसी को भी खुल के नहीं बता सकते। इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोग घर बैठे बहुत मेडिसिन खाए बगैर आप लोगों को आराम आ जाए देसी टोटकों से, ग्लिसरीन है और पायोडीन है, और आसानी से मेडिकल स्टोर से आप लोग को जी मिल जाएगी। ठीक है जी, चले जी, अब मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और घर वालों का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। उसके बाद जी आऊंगी मैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी रब रखा।